कहीं नहीं यहाँ पे बर्बाद हो गई, वो छोड़ के चला गया मेरे को। दो महीने में हमारी एक साल की एनिवर्सरी थी और अब तो कुछ नहीं रहा, क्या करूँगी उसके बिना यार। नेहा अभी इसी वक्त उसका फेसबुक खोल, देख जरा। मुझे दो डिनर पे ले जाने के पैसे नहीं होते थे, उसके पास अब गोवा घूम रहा है। एक काम करेगी मेरा, जरा इंस्टा चेक कर इसका, बता किसके साथ है, कहाँ है ये। देख लेती यार, पर अनफॉलो कर दिया ना मैंने, कर ले तू जरा चेक। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ मैं वेट कर रही हूँ। हाँ चल बाय। हेलो नेहा यार, तू जरा फेसबुक देख इसका, बड़े रोमांटिक स्टेटसेस डाल रहा है। इंस्टा चेक किया था तूने इसका? मैंने बोला था ना तुझे, मैं कब से वेट कर रही हूँ यार तेरे कॉल का। यार नहीं ना यार, तुझे यही मूवी देखनी है यार। नहीं ना, मैं ब्रेकअप से पहले पता है यही मूवी देखने वाली थी उसके साथ, 6 महीने पहले। यार नहीं ना यार, वहाँ नहीं जाना, वहाँ मैं अपनी 4 मंथ एनिवर्सरी की डेट पे गई थी, कोई और जगह चलते हैं ना। देख मैं समझ रही हूँ तुझे अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज पार्टी देनी है, लेकिन तुझे पूरी दिल्ली में एक वही जगह मिली थी यार। तू जानती है वहाँ मैं और मेरे एक्स हमेशा हैंग आउट करते थे यार। यार मुझे नहीं पता, आई कांट कम टू दैट प्लेस। तुम डेटिंग के इस चक्रव्यूह को समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तो मन में इतने दुख हैं। अरे देखो, पसंद करो, फिर थोड़ा और पसंद करो, उसके बाद उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए और फिर एक दिन सब खत्म। 4 अलग सालों में जो 4 अलग लोगों के साथ तुमने हैशटैग लव ऑफ माई लाइफ वाली फ़ोटो लगाई है, उससे कुछ तो समझो, सब मोह माया है। मैं सही बता रही हूँ यार, मैं ठीक हूँ। और उसे क्या लगता है, उसकी याद में मैंने नींदें बुला के खाना पीना छोड़ के बस रोना लगा रखा है। तो प्लीज, ऐसा है 36 आएंगी 36 जाएंगी, लेकिन मेरे जैसी उसकी माँ भी नहीं ला पाएगी। आई वॉज इज अल्टीमेट कैच। और कुछ बात है तो बता। हाँ हेलो, सामान कब लेके जा रहे हो अपना तुम? देखो पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे को यही बोला था और ये वाला हफ्ता भी निकल गया है, तो अब सुनो, कल सैटरडे है, आके अपना सामान ले जाना, वरना मैं वो कबाड़ी वाले को बेच के जो चिल्लड़ आएंगे ना तुम्हें पेटीएम कर दूंगी, इसी लायक हो तुम।